अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड्स एंड व्लॉग्स। तो आज आए हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ। ईद स्पेशल में आलू कीमा शिमला मिर्च बनेगी। आपने आलू कीमा बनाया होगा लेकिन आलू शिमला मिर्च कीमा नहीं बनाया, तो आज ही ट्राई करें मेरी ये रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो चले आए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं और इनको स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे बड़ी प्याज ली है मैंने और इनको भी स्लाइसेस में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम कीमा और 3 से 4 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। तो कीमा बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं कुकर में कीमा डाल रही हूँ, क्योंकि ये बीफ के कीमा है तो कढ़ाई में जल्दी नहीं गलेगा और कुकर में डालने से 10 मिनट में ही गल जाएगा, इसलिए मैं कीमा कुकर में डाल रही हूँ और इसके साथ बाकी चीज़ें भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ ही। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैं जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ उसमें, और 1 टेबलस्पून ही मैं अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। तो 1 टेबलस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 चाय की चम्मच में इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून में इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून में इसमें जो है पिसा हुआ हरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून में जो है इसमें हरा मिर्च का ऐड करूंगी। बस अब हम जो है इसको 10 मिनट के लिए कुकर को थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ देंगे दम लगा के। 10 मिनट बाद कुकर के खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट का दम खोलने के बाद मैंने कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है कीमा, और कीमा हमारा बिल्कुल जो है वो गल गया है। अब हम जो है इसका मसाला जो है हल्का सा ऐसे चम्मच की मदद से दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से मसाला और ये कीमा जो है वो मिक्स हो जाए। पानी से थोड़ा सा खुश्क हो जाने के बाद जो है हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है 2 डोनिया ऑयल के ऐड करूँगी। वन थर्ड कप ऑयल मैंने ऐड किया है इसके अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद जो है हम इसमें जो है वेजिटेबल्स सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख लें कि मैं 3 लौंग के ऐड कर रही हूँ और 3 काली मिर्च साबुत मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये देखें कीमे की मैंने भुनाई कर ली है अच्छी तरह से। अब जो है मैं इसके अंदर सब्जियाँ ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 आलू लिया है और 1 ही शिमला मिर्च ली है। आलू को इस तरह से मैंने काट लिया है और शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। अब ये जो है पहले हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, क्योंकि आलू में गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और शिमला मिर्च फौरन ही गल जाती है। थोड़ी देर 5 मिनट तक जो है आलू की हम भुनाई करने के बाद शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। आपने आलू कीमा तो खाया होगा, बनाया होगा, शिमला मिर्च कीमा भी बनाया होगा, मगर आपने ये वाली मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, आलू कीमा शिमला मिर्च। इसका फ्लेवर ही अलग है। तो 5 मिनट तक मैंने आलू कीमे की भुनाई कर ली है। अब मैं जो है इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट तक इसकी भी भुनाई कर लेंगे हम। तो ये भुनाई हो गई है हमारी कीमे की सब्जियों की। अब जो है हम इसके अंदर
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मिलकर मैंने ऐड किया है इसके अंदर, ताकि जब मैं 5 मिनट के लिए इसको दम लगाऊं तो ये नीचे ना लगे। ये देखिए, इतना ऐड किया है मैंने इसके अंदर पानी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है लेमन जूस का ऐड कर रही हूँ। बस अब जो है 1 हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और अब मैं इसको दम देने लगी हूँ जब तक कि आलू ना गल जाए। 5 से 10 मिनट तक का दम होगा मेरा, जिसमें सिर्फ मैंने आलू गलाने हैं। कीमा मेरा ऑलरेडी गल चुका है, कुकर में मैंने गला लिया था, और शिमला मिर्च तो वैसे ही गल जाती है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैं दम खोलने लगी हूँ। ये देखें, हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार है। घी भी छोड़ दिया है कीमे ने, और ये आलू भी गल चुके हैं हमारे, और ये देख लें सालन बिल्कुल रेडी है हमारा। अब मैं लास्ट में जो है इसमें, ये देखें, छोटा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा सालन तैयार हो गया है। तो रेडी है मेरा आलू कीमा शिमला मिर्च रेसिपी। तो इसको लाजमी आप ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने हरे धनिया के साथ कीमे को गार्निश किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।